बच्चों आज की कहानी है बंदर ने झूठ बोला। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक दिन एक बंदर समुद्र में जहाज से यात्रा कर रहा था। समुद्र में यात्रा करते समय आधे रास्ते में जहाज नष्ट हो गया और बंदर गहरे पानी में गिर गया। सौभाग्यवश पास ही एक डॉल्फिन तैर रही थी। उसने अपनी पीठ पर बंदर को बिठा लिया और तैरने लगी। तैरते समय उसने बंदर से पूछा, क्या तुम मानव हो? अगर हो तो तुम किस परिवार से संबंध रखते हो? लेकिन बंदर डॉल्फिन की पीठ पर आराम से बैठकर सवारी का आनंद उठा रहा था। बंदर ने गौरवान्वित होते हुए कहा कि मैं प्राचीन परिवार से आता हूँ, मेरा परिवार हमेशा से वहीं रहता है। काफी आश्चर्यचकित होकर डॉल्फिन ने पूछा, तब तो तुम अगस्टैन को जानते होगे? वे उस द्वीप के राजा है जहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं। ओ, बंदर ने उत्तर दिया, वो मेरा मित्र है। डॉल्फिन ने अनुभव किया कि ये झूठ है और तुरंत वो चिल्लाने लगी, तुम झूठे हो। तब वह गहरे पानी के अंदर चली गई और बंदर को पानी की सतह पर छोड़ गई। बंदर तैरना नहीं जानता था, इसलिए डूब गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं।